नाज़रीन, अगर आप एक महफिल में हों जहां आपके सामने बिरयानी और कीमा नान पड़े हों, कुछ लोग खड़े होकर ये नारा लगा दें कि खाने में नमक कम है, तो आप यकीन करें पूरी महफिल को अचानक वो खाना फीका लगने लगेगा। ये नफ्सियात की ज़बान में माइंड ओवर मैटर या जिसे जहन बनाना कहते हैं, ये उस ज़ुमरे में आता है। इसी तरह अगर आप सुबह से शाम तक ये कहें कि आपके सर में दर्द है, तो शाम को यकीनन आपके सर में दर्द हो जाएगा। इमरान खान साहब की 22 साल की मेहनत में ये लोग फीका बनाने के लिए कुछ लोग सरेआम और छुपकर कोशिशें करते हैं ताकि ये उनकी मेहनत को फीका दिखा सकें। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब मुल्की सलामती और पाक फ़ौज की बात आए तो फिर उनको जवाब देना लाजमी बनता है। कल DGISPIR साहब ने PMT पर एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सलीम साफ़ी और हामिद मीर ने नमक कम होने की शिकायत करने का बहाना किया और अजीबोगरीब से सवाल कर दिए। कुछ ठीक है, ये बाकी चीज़ों में भी वजन होगा, लेकिन एक तासर ये भी है कि स्टेट खुद जो इकदाम कर रही है उससे भी PTM के नैरेटिव को तकवीत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावनवार, वो क्यों आजाद कर रहा है? साफी साहब ने का कहना था कि ये मंजूर पश्तीन और राव अनवार की बात की। उन्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं कि राव अनवार PMT की बुनियाद बनने की वजह है। मंजूर अहमद पहले मंजूर अहमद था, बाद में मंजूर पश्तीन बना। और बिलावल साहब जिस अंदाज में मंजूर अहमद पश्तीन को कौमी धारे में लाने की बात करते हैं, मंजूर अहमद पहले लेकिन उसके बाद वो मंजूर अहमद पश्तीन बना और उसकी वजह जरदारी साहब की मोहब्बत राव अनवार से। राव अनवार उन बहादुर बच्चों में से है। अगर इन सारी चीज़ों को आप मिलाएं तो साफी साहब का जो सवाल था वो बदनीयती पर मुलविस था। मसले हैं ना, नारा कहाँ से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहाँ से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये हामिद मीर साहब दो कदम पीछे नहीं रहे। उन्होंने फौरन DGISPR से पूछा कि हम लोग क्यों मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को TV पर नहीं ला सकते। तो जो आपने सवाल किए, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो PTM की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवाल किए जाएं, ताकि वो जो ये इल्जाम लगाते हैं कि DGISPR जो है वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवाल आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। DGISPR ने उसको जवाब दिया। क्या आप ऐसे बंदे को TV पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? हामिद मीर साहब मीडिया इंडस्ट्री में बड़े अरसे से हैं, वो ये चीज जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। वो मंजूर अहमद पश्तीन के एजेंडे को बेचना भी चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। उसके पीछे इनके क्या मकासद हैं ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं। जावेद चौधरी साहब, पिछले 6 कालम उनके आप उठाकर देखें, हर कालम इनकी कोशिश यही होती है कि इमरान खान ना तजर्बाकार हैं, अनाड़ी हैं, कभी वो अनाड़ी ड्राइवर हैं तो कभी वो अनाड़ी पायलट हैं। मुल्क तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, सियासत और मईशत दोनों तबाह बर्बाद हैं। अगर आप जावेद चौधरी साहब की एनएक्स से दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी एक कालम में जिक्र किया कि इंडियन निजात अमेरिकन से सिगार के धुएं के दौरान उन्होंने ये बातें करते करते उनसे पूछा और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कालम लिखा। उनके 6 कालमों का खुलासा कुछ इस तरह है कि मुल्क में से एहतसाब ख़त्म होना चाहिए, नैब के इदारे को फौरन बंद कर देना चाहिए, मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और मियां नवाशी साहब को दोबारा लाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें लंदन बीमारी की वजह से जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनके बस में होता तो शायद मंसूर अली खान को वजीर ख़जाना, उमर चीमा को वजीर इतलात, हामिद मीर साहब को वजारत दाखिला देते, सलीम साफ़ी साहब को अफगान अमूर के माहिर और ख़ुद जनाब एक जहाज़ लेकर दुनिया के मुल्क मुल्क घूमते, सफ़रनामा लिखते और शायद वजीर खारजा बन जाते। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, उनकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में मलिक रियाज साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और उनका ख्वाब ये कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे तकरीबन हर इदारा दिवालिया होने के करीब आया, मीडिया के इन लोगों की तनख्वाहें, उनके रहने सहन, उनकी ऐशो इशरत वो कहाँ से आती है? ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में टॉप एंकर पूरे साल की सैलरी 2 करोड़ रुपये लेता है, जबकि पाकिस्तान में मीडिया के ये एंकर इस वक्त 70 से 80 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं।
काम उनका वही है जो आप पाकिस्तान के किसी हमाम में चले जाएं तो चार पांच लोग उनसे शायद बेहतर अंदाज में आपको मुल्की हालात पर बात करके बता दें। हम जमहूरियत पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे, हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे और सेंसरशिप पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। आपने करना है करें जो आपने करना है। अगर आप साफी को पकड़ें, उसकी करप्शन को रोकें, तो आज़ादी इजहार राय खतरे में पड़ जाती है। आज प्रोग्राम में शेख राशिद शफीक साहब, जो शेख रशीद साहब के भांजे हैं, रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सामने सवालात रखते हैं। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये बताएं कि इस वक्त अगर आप मंसूर अली खान साहब का, हामिद मीर, जावेद चौधरी या सलीम साफी साहब के प्रोग्राम देखें, ट्विटर पे उमर चीमा की ट्वीट्स पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि आपकी हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है। इस एक तबके की इस किस्म की राय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मीडिया में कुछ ऐसे एंकर हैं जो कुछ बड़ी जो मुखालफ जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून, उसकी पे बोलते हैं, और वो मैं खुद समझता हूँ कि इनका भी इंतसाब होना चाहिए, और अगर सियासतदान इंतसाब के जमरे में आते हैं तो साफी भी इंतसाब के जमरे में आते हैं। चेक करना चाहिए कि एक साफी जो आज से पाँच छः साल पहले जिसके पास अपनी एक गाड़ी नहीं थी, आज वो बंगलों और प्लाजों के मालिक हैं, तो कौन सा ऐसा दीन का चिराग है साफत में आने के बाद के लोग दिनों में? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग उनको प्रमोट करते हैं, और आप अगर लिस्ट उठा के देखें, एक बहुत बड़ा जो यहाँ का बिजनेसमैन था उसने एक लिस्ट जारी की थी कि कौन कौन से साथी उसके पे रोल पे, तो किसने कितने प्लाट लिए, कितने कुछ लिए, सारी चीजें मीडिया के सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में काम कर रही है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5-6 माह के अंदर जो माशी मसायल है उसको अच्छे और भरपूर तरीके से हल किया जाए। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि जूं ही किसी सहाफ़ी के बारे में अगर आप बात करें, उनको अगर आप साइडलाइन करें, तो फौरन उनकी तरफ से बयान आता है कि आज़ादी इजहार राय खतरे में है। अब तो इन लोगों की जो करप्शन इन्होंने की हुई है, इस करप्शन को कैसे सामने लाया जाएगा फिर? मैं तो चाहता हूँ जी, जैसा सियासतदानों का एहतसाब है उसी तरीके से साफियों का एहतसाब होना चाहिए। अगर सियासतदान जो है वो हथकड़ियाँ लग रही हैं उनको, और वो कोर्ट कचहरी में चाहे चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून से है या PTI से है, इसी तरीके से ये भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं, और इनका चेक किया जाना चाहिए कि इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, इनकी मरातें कितनी हैं, उसके बावजूद इन्होंने 7 साल में तरक्की करते हैं, ये 10 साल में तरक्की करते हैं, 10 साल के 1 साल में तरक्की करते हैं। तो ऐसे साफी हैं, बड़े अच्छे अच्छे साफी भी हैं, मुल्क के नामवर साफी हैं, और वैसे मैं रावलपिंडी के हल्के से बिलोंग करता हूँ, मुझे रावलपिंडी हालांकि जंग का एक अदारा, ऐसे ऐसे साफी जिनके घरों को मैंने विजिट किया है, जिनके पास अपने घर नहीं है, और वो मोहतरमा बेनजीर भट्टो के साथ जो उसकी फर्स्ट लो होते थे उसमें खड़े होते थे, बेचारों के बच्चे मुलाजम नहीं है, लेकिन उन्होंने सहाफत को इबादत समझ के सहाफत का इख्तियार किया और आज तक वो कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे नाम भी लेना चाहिए तो ले देता हूँ, जंग अखबार के मेरे पिंडी के शम्स रिजवी हैं, जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है। मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद जब पिंडी आया करती थी उनको बुलाया, लेकिन बेचारों के पास अपना घर नहीं। ऐसे कई बेशुमार साफी हैं जो सहाफत को इबादत समझ के करते हैं, और उनके पास ना अपना घर है ना बच्चों के लिए रोजगार है, और जो आज आने वाले 2-4-10 सालों में एंकर बन गए हैं, उनके बच्चों के पास आजकल BMW है, लैंड क्रूजर है, आला बंगले हैं, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। शेख साहब, माजी में ये साफी जो थे ये मियाँ साहब के जहाज में सफर किया करते थे, उनके साथ खाने खाया करते थे, आप लोग अभी इमरान खान साहब ने 7 दौरे किए, एक साफी भी साथ नहीं लेकर गए, तो क्या आपको लगता है ये मसला है, आप लोग क्यों नहीं इनको अपने साथ रखते? देखिए जी, इमरान खान साहब ने पहले दिन से जो अपना मंशूर था उसमें एक ही नारा लगाया था, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करनी और पाकिस्तानी अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें लेके आने, ना कि साफियों के लिए, और जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं, और उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान जिन माशी बदान से गुजर रहा है उसको उसमें से निकाला जाए। साफी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना, मुल्क का हर गरीब जो है इस वक्त दाल रोटी चीनी और बिजली सुई गैस की जो एक महंगाई का अंबार है उससे निकलने के लिए पूरी वजीर आजम इमरान खान साहब की क्यादत में पूरी उनकी टीम कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को रिलीफ मिले। शेख साहब, जाती फायदे हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए फौज के खिलाफ बात करना एक फैशन है, कूल लगने के लिए भी कुछ करते हैं ऐसे साफी, खासतौर पर ट्विटर पर अगर आप इनकी गुफ्तगू देखें तो, और कल जैसे हामिद मीर और सलीम साफी साहब ने भी बातें की, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या फौज के खिलाफ बात करना आजादी सहाफत है? जो शख्स फौज के खिलाफ बात करता है उनकी उसकी जुबान निकाल देनी चाहिए, उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अल्लाह
اور اس کے رسول کے بعد قائم دائم ہے تو پاک فوج کے ذمہ. اور پاک فوج ایک ایسی پاک فوج ہے پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں جس نے پاکستان کا ابھی تک دفاع کیا. جی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا. جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے شیخ راشد شفیق صاحب کی باتیں بھی سنی. ناظرین صحافت یا صحافی یہ ایک مقدس پیشہ اور کام ہے, اگر صحافی اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہ کرے تو صحافی میں اور طوائف میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے بیشتر بڑے صحافیوں کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے لیکن وہ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں اور اپنے پیشے سے غداری کرتے ہیں. ان صحافیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پروڈیوسر کمیل حیدر اور ٹیم سبیق کاظمی کو اگلے پروگرام تک لے اجازت. خدا حافظ.